नमस्कार दोस्तों। खबरों के इस शोर में कोरोना को लेकर खबरें हैं, किसान आंदोलन को लेकर खबरें हैं और पता नहीं दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर खबरें चल रही हैं, लेकिन एक खबर इन सब घटनाक्रम के बीच, एक बहुत छोटी सी खबर दबकर रह गई। इस पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पर, और इसलिए मुझे अब मौका मिला कि इस बारे में मैं आपसे बात करूं, तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। और ये खबर है रामपुर को लेकर। उत्तर प्रदेश का ज़िला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रामपुर। और जब रामपुर का हम नाम लेते हैं तो दिमाग में एकदम से नाम आता है आजम खां का। आजम खां फरवरी माह से, 27 फरवरी 2020 से जेल में है। उनका बेटा अब्दुल्ला आजम, जो कि स्वार विधानसभा सीट से विधायक है रामपुर ज़िले की, जेल में है 27 फरवरी से। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, जो कि रामपुर की वर्तमान विधायक हैं और पहले राज्यसभा की सांसद रही हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो जेल में थी और अभी रिहा हुई हैं। सोमवार को, यानी कि 21 दिसंबर को उनकी रिहाई हुई है और ये खबर मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है। इस खबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी आजम खां और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा इस आरोप में जेल में गए थे, मुख्य रूप से कि इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम का दो तरह का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। एक बर्थ सर्टिफिकेट वो था जो कि लखनऊ में बना, और एक था जो रामपुर नगर पालिका क्षेत्र में बना, और दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। जब अब्दुल्ला आजम विधायक बना तो उनके खिलाफ भाजपा के एक रामपुर के नेता आकाश सक्सेना ने यह मामला उठाया और उन्होंने चुनाव आयोग में ये शिकायत की कि देखिए, अब्दुल्ला आजम दो दो पासपोर्ट रखते हैं, दो दो डेट ऑफ बर्थ पर, और इनकी जो विधायकी है वो निरस्त की जानी चाहिए। और इसके बाद अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जांच हुई। चुनाव आयोग, जो कि 2017 से ही लगभग इस चुनाव में लग गया था, 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम विधायक बना था और 2018 से इसकी जाँच चल रही थी, और 2019 के दिसंबर में अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी थी वह निरस्त कर दी गई, उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके अलावा आजम खां, जो कि रामपुर से पहले विधायक थे और 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़के लोकसभा के सांसद बन गए, उन्हें भी जेल जाना पड़ा और उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा। आपको पता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके खिलाफ पुराने कई मामले खुले हुए हैं, किसानों की ज़मीनें हड़पने का मामला, जौहर यूनिवर्सिटी का मामला, इसके अलावा शत्रु संपत्ति का जो गलत लेन देन है उसका मामला, ऐसे लगभग दर्जनों मुकदमे थे। उन सब मुकदमों की ऐसी गुत्थी बनी कि तीनों लोग जेल पहुंच गए, सीतापुर जेल में बंद थे। बीच में ये भी खबरें आती रही कि सीतापुर जेल में उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, हालांकि ये खबरें पुष्ट नहीं हो सकी। तो मुझे पता नहीं कि इस तरह की खबरें क्यों चली, और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तो उनको VIP ट्रीटमेंट क्यों दिया जाएगा, ये सवाल ही समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि ये भाजपा वालों ने ही कोई खबर चलाई थी जिससे कि उनके खिलाफ सख्ती की जा सके। बहरहाल, मैं आता हूँ तंजीन फातिमा को। तंजीन फातिमा की रिहाई हुई है। रिहाई के आदेश तो 3-4 दिन पहले शुक्रवार में ही हो गए थे, लेकिन उन्हें चूँकि कोर्ट के ऑर्डर्स बाई पोस्ट जिस तरह से प्रक्रिया के तहत जेल में पहुँचते हैं, उसके तहत जेल में पहुँचे और सोमवार की देर शाम, यानी कि 21 दिसंबर की देर शाम तंजीन फातिमा की रिहाई हुई। तंजीन फातिमा के दूसरे बेटे हैं जो, वो आए हुए थे, उनकी दोनों पोतियां आई हुई थी उन्हें रिसीव करने के लिए, आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं उनके। तो इनकी रिहाई हुई, मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, और मैं आपको बताऊँ कि 34 मुकदमे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इन पर हुए थे, और आजम खां के कई मुकदमे ऐसे हैं अभी भी आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कि उनकी जमानत नहीं हो पाई है, लेकिन तंजीन फातिमा को जमानत मिल गई। तंजीन फातिमा का ये कहना था कि मैं जो सरकारी मेरी
बैकग्राउंड है नौकरी की, और जैसे कि आपको बताया है कि मैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर रही, और उन्होंने लिखा कि मैंने 60 साल तक राजकीय सेवा की है, और 60 साल तक खुद अधिकारियों ने मेरी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया है। क्या 60 साल के रिटायरमेंट के बाद कोई बुढ़ापे में क्रिमिनल बन सकता है? एक सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन वो ये भूल रही है कि सारे क्राइम उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन उनके पति, उनके बेटे, उन सब लोगों ने जो क्राइम किए हैं उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तंजीन फातिमा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तो इस वजह से देखिए, सज़ा तो सबको भुगतनी पड़ेगी। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य क्रिमिनल हो जाता है तो उसकी थोड़ी बहुत आंच तो सब पर आती ही है, लेकिन कानून ने अपनी गति से काम किया, धीरे धीरे प्रक्रिया आगे चली, जांच हुई, और उस जांच में ये तय पाया गया कि तंजीन फातिमा को जमानत हो सकती है, और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर के सांसद आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा की जमानत ने साबित कर दिया है कि नफरत की सियासत करने वाले आखिर में सच के आगे हारते हैं। बीजेपी झूठ के जिस रास्ते पर चल रही है वो अन्याय की ओर जाता है और पतन की ओर जाता है। ये इंसाफ में एतबार करने वालों की जीत है। ये बात सही है कि आपने इंसाफ में एतबार किया और आपकी जीत हुई, लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी देखना चाहिए था अखिलेश जी, कि आपके सांसद ने किस तरीके से अपने बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए थे और उसके बल पर उन्हें विधायक बनवा दिया था। चुनाव आयोग ने इसकी जांच की है, सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं। तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ बदले की राजनीति हो रही है। मैं मान सकता हूँ कि शायद अप्रत्यक्ष रूप से तंजीन फातिमा इसमें गलत फंस गई हो, या उन्होंने वो सारे काम न किए हों जिन मामलों में उनका नाम है, लेकिन ये तो है कि वो बराबर की जो उसमें सहयोगी रही हैं उनके सारे कारनामों में, इसका तो खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा ही। अब फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, कि इस पूरे प्रकरण में जो स्वार टांडा सीट है रामपुर की, जहाँ से अब्दुल्ला आजम विधायक था, वहाँ पर उपचुनाव नहीं हुआ और वहाँ पर उपचुनाव ड्यू है। अभी अभी कुछ महीने पहले 2019 के लास्ट में कुछ उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अभी आपको नवंबर महीने में ही कुछ उपचुनाव हुए 6-7 सीटों के, विधानसभा सीटों के उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसमें स्वार टांडा की सीट का उपचुनाव नहीं हुआ था क्योंकि उसमें टेक्निकल पेंच फंसा हुआ था। अब मुझे लगता है स्वार टांडा सीट पर उपचुनाव भी होगा, और अगर आजम खां तब तक रिहा नहीं हो पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की कमान तंजीन फातिमा को संभालनी होगी। इसके अलावा जो उनके दूसरे बेटे हैं उन्हें संभालनी होगी, और ये एक बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से वहाँ अपना प्रेजेंटेशन देती हैं। इसके अलावा बीजेपी ने रामपुर के लिए जय पर्दा को लगाया हुआ है, और इस बार ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि लोकसभा चुनाव जय पर्दा लड़ी थी आजम खां के सामने, लेकिन अब इसकी बार मुझे ये लग रहा है कि शायद 2022 के जब विधानसभा चुनाव होंगे, हो सका है कि हो सकता है कि तंजीन फातिमा के सामने रामपुर से जय पर्दा प्रत्याशी बनाई जाए, और ये एक बड़ा चुनाव होगा। और बीजेपी जिस ड्रीम को लेकर चल रही है, आजम खां को उनके गढ़ में मात देना, ये संभव हो पाएगा क्योंकि आजम खां के रहते हुए वहाँ बीजेपी जीत नहीं पाई है। आजम खां विधायक थे, 9 बार विधायक रहे रामपुर से, राज्यसभा के मेंबर रहे। 2019 में अखिलेश यादव ने कहा कि आप विधायक ही छोड़िए, सांसद का चुनाव लड़िए वरना सीट हाथ से निकल रही है। आजम खां ने विधायक ही छोड़ी, सांसद बने, और जब उनकी सीट खाली हुई रामपुर की, उपचुनाव हुआ तो तंजीन फातिमा वहाँ से जीत गई। अब बीजेपी के सामने चैलेंज ये है सबसे बड़ा कि वो तंजीन फातिमा को कैसे हराए, और इसके लिए बीजेपी को 2022 को फोकस करके चलना होगा। और जिस तरह की सक्रियता जयप्रदा वहाँ पर दिखाती रही हैं, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि शायद तंजीन फातिमा का मुकाबला 2022 में कहीं जयप्रदा से ना हो। बहरहाल, जयप्रदा चुनाव लड़े या ना लड़े ये अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि
के तंजीन फातिमा पर अब दबाव होगा आजम खां की पॉलिटिकल विरासत को आगे बढ़ाने का। आजम खां भी जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है, पता नहीं वो कब रिहा होंगे, लेकिन तब तक झंडा उठाकर चलना होगा तंजीन फातिमा को। और बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह की उनकी बातें मैंने सुनी कि वो काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल लेडी है और परिवार पॉलिटिकल है, हो सकता है कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि वो जयप्रदा को कैसे काउंटर करें और कैसे आजम खां की विरासत को रामपुर में बचा कर रखें, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पर एकदम, जौहर यूनिवर्सिटी का तो अस्तित्व ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़त्म कर दिया है। किसानों के इतने मुकदमे हो गए हैं उसके ऊपर के वो यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी नहीं रही, स्टूडेंट नहीं रहे, एक असाधारण बिल्डिंग बनकर रह गई है। ये आने वाले वक्त में बड़ा दिलचस्प होगा कि तंजीन फातिमा आजम खां और बेटे के बिना सारे पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे हैंडल करती हैं। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।